आज हम बनाएंगे आलू का पराठा और वो भी डिफरेंट टेस्ट के साथ। तो सबसे पहले हम आलू बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू को छील के उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अब हम आटा गूंथ लेंगे। तो आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे बारीक वाला गेहूं का आटा लिया है। अब उसके अंदर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 2 चम्मच तिल और 2-3 चम्मच ऑयल, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब गुनगुने पानी से हम आटे को गूंथ लेंगे। तो ये हमारा आटा एकदम रेडी है। गुनगुना पानी यूज करने से आटा एकदम सॉफ्ट बनता है और हमारे पराठे भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और अब इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम हमारी फिलिंग रेडी कर देंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच बटर। बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज्ज़ा पास्ता सॉस। ये सॉस हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना इसके अंदर ऐड किया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम लेंगे पेरी पेरी मसाला, इसको भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ये भी 2 टेबल स्पून जितना लिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट इसको सॉटे करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे शेजवान चटनी, और ये मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऐड किया है क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी होती है, तो ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। और अब इसको भी 2 मिनट सॉटे कर लेना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और अब उसको मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा ये फिलिंग रेडी है। तो इसके ऊपर धनिया डालेंगे और उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब जो हमने आटा रेडी किया था उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको अच्छे से गूंथ लेना है। और अब एक आटे की लोई लेके उसको बेल लेना है। और उसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे, यहाँ पे आप घी भी लगा सकते हो। उसमें एक साइड में कट लगाना है और ये जो हमने फिलिंग बनाया था वो रखेंगे और एक चीज स्लाइस रख देंगे। और अब उसको फोल्ड कर देना है। उसको सब तरफ से अच्छे से कवर कर लेना है ताकि फिलिंग बाहर ना आ जाए। और अब उसको हल्के हाथों से फिर से बेल लेंगे। तो ये हमारा पराठा बेल के एकदम रेडी है। तो उसको अब हम सेक लेंगे। तो मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और उसको दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सेक लिया है। और अब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के हम दोनों तरफ से उसको फिर से अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारा ये पराठा बनके रेडी है। आप इसे केचप या फिर चटनी या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो टेस्ट में बहुत ही मस्त लगता है और डिफरेंट लगता है थोड़ा टेस्ट उसका। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। ओके बाय।